नमस्कार दोस्तों, मैं विनयन और स्वागत करता हूँ चैनल विनयन पर। आज बात करेंगे काफी इंटरेस्टिंग पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट ये है कि TRDO साइंटिस्ट ग्रेड बी रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2018 आ चुके हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात किया तो नेम ऑफ पोस्ट के बाद, तो नेम ऑफ पोस्ट जैसे मैंने आपको बताया TRDO साइंटिस्ट ग्रेड बी रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2018 आ चुके हैं और पोस्ट डेट जो है 18 मई की पोस्ट डेट हुई है। और शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर बात किया तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO एंड रिक्रूटमेंट एंड असिस्टेंट सेंटर RES आर इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द साइंटिस्ट ग्रेड बी रिक्रूटमेंट 2018। दोस्त इंजीनियरिंग कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड टू द फॉलोइंग रिक्रूटमेंट एंड कम्प्लीट द ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स ये है कि एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है वो 12 मई से स्टार्ट हो गया और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन के लिए 2 जून इसकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट पेड एग्जामिनेशन फीस की भी 2 जून है और एग्जाम डेट नोटिफाई जल्दी हो जाएगी और एडमिट कार्ड भी जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल OBC की 100 रुपीज़ फीस है और SC ST और PH की कोई फीस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऑल कैटेगरी फीमेल की भी यहाँ पे कोई फीस नहीं है। तो पेड एग्जाम फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप फीस पेमेंट पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। टोटल पोस्ट यहाँ पर 41 पोस्ट यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर। और पोस्ट नेम जैसे कि साइंटिस्ट बी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जनरल की 12 पोस्ट निकाल रखी है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में 6 निकाल रखी है, OBC में और SC में 3 और ST में 1। टोटल पोस्ट यहाँ पर 22 हो गई और मैक्सिमम एज दोनों पोस्ट के लिए 28 चाहिए, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में अगर बात किया तो 10 पोस्ट यहाँ पर निकाल रखी है जनरल की और OBC की 5, SC की 3 और ST की 1। टोटल पोस्ट यहाँ पर 19 है। एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग BE/BTEC इन रिलेटेड पोस्ट विद एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन मार्क्स गैट एग्जाम पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी कुछ एलिजिबिलिटी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐप भी फॉलो कर सकते हैं विनय.96 एंड ट्विटर।